हेलो फ्रेंड्स, मैं शैव्या पांडे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग लूप में। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में आप लोगों को मैंने कैसे लेयर पे ग्रेडियंट को अप्लाई किया जाता है या फिर टेक्स्ट में शेप में कैसे ग्रेडियंट को अप्लाई किया जाता है उसके मेथड्स को मैंने बताया था आप लोगों को। इस क्लास में मैं आप लोगों को एक न्यू टूल के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको कहते हैं पार्ट टूल। तो पार्ट टूल की हेल्प से आप किसी भी कस्टम शेप में या किसी भी पर्टिकुलर शेप में आप पार्ट टूल की हेल्प से कलर को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो ट्यूटोरियल को आज समझते हैं कि कैसे पार्ट टूल के थ्रू किसी शेप में हम लोग कलर को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पाथ तो जानते ही होंगे कि पाथ क्या होता है। पाथ का एक एंकर पॉइंट होता है। जब भी आप पाथ को बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि उसका जो भी एंकर पॉइंट होता है वो एक दूसरे एंकर पॉइंट से कनेक्टेड होता है, लिंक्ड होता है। कोई आप शेप ड्रॉ कर लीजिए, चाहे स्ट्रेट शेप ड्रॉ करिए, चाहे अपोजिट ड्रॉ करिए, किसी भी टाइप का आप शेप ड्रॉ करिए, कर्व कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स के आप शेप को ड्रॉ करिए, उसी पाथ में जो एंकर पॉइंट होते हैं वो एक दूसरे से हमेशा क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, उसी को पाथ कहते हैं। तो आइए हम लोग पाथ टूल की हेल्प से शेप में या फिर कस्टम शेप में कलर को अप्लाई करने का मेथड सीखते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाथ का जो कस्टम शेप टूल वाला ऑप्शन है इसका शॉर्टकट क्या होता है, यू होता है। तो इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई भी शेप को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने से पहले यहाँ पे हम लोग जिस मोड में वर्क करने जा रहे हैं, शेप पाथ पिक्सल, उस मोड को हम यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं। तो पाथ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पाथ सेलेक्ट कर लेने के बाद शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइप से आप यहाँ देख रहे हैं पाथ पैनल में कि जो मैंने शेप अभी ड्रॉ किया है उसकी एक फाइल यहाँ पे, उस फाइल का नाम क्या है, वर्क पाथ। ये फाइल यहाँ पे अपियर हो चुकी है। तो आप इस फाइल का जो नेम है इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। तो इस पे आप डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करके यहाँ पे Path1 नाम का फाइल नेम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। और उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। दूसरा पाथ यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा पाथ यहाँ कस्टम शेप का हम ड्रॉ करते हैं, लाइक इस टाइप से यहाँ पे कोई भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा दूसरे पाथ पे, मैंने कस्टम शेप ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आप मूव टूल से बाहर आ जाते हैं इसके। फिर यहाँ से आप एक न्यू और पाथ ऐड कर लेते हैं और एक अनदर जस्ट यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, पेन टूल के थ्रू, जो कि टोटली क्लोज्ड होता है, इसका हर एक एंकर पॉइंट, ये इस टाइप से कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज आप ये बहुत लार्ज हो गया तो इसको स्मॉल कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एंकर पॉइंट है ये एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है, कनेक्टेड है। तो इसी को कहते हैं पाथ। ये एक पर्टिकुलर पाथ है, ये जो मैंने शेप ड्रॉ किया है इस पाथ में ही मुझे कलर को फिल करना है। तो ये देख रहे हैं कि एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो पाथ टूल के थ्रू आप कोई भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी प्री डिफाइंड शेप को यहाँ से आप ड्रॉ करके उस पे कलर को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है Path 3 पे एक न्यू शेप मैंने पेन टूल के थ्रू अप्लाई कर लिया। अब इसके बाद इसको यहाँ से डायरेक्ट पाथ सिलेक्शन टूल के थ्रू सेलेक्ट कर लेते हैं। मेन्यू बार में जाते हैं, मेन्यू बार में आप एडिट ऑप्शन देखते हैं। एडिट ऑप्शन से अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने पाथ को रिक्रिएट किया हुआ है, इस शेप को, इसके अंदर कलर को फिल करूं। तो एडिट ऑप्शन में जाते हैं और फिल पे जाते हैं। फिल का शॉर्टकट क्या होता है, Shift+F5, इस पे क्लिक करते हैं। तो सपोज यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं कि शेप में कलर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिल नाम का डायलॉग बॉक्स अपियर हो चुका है स्क्रीन पे। अब यहाँ पे कंटेंट ऑप्शन है, कंटेंट में कौन सा ऑप्शन यहाँ सेलेक्टेड है, कलर का। कलर के अलावा यहाँ पे फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, पैटर्न, हिस्ट्री, ब्लैक, 50% ग्रे, व्हाइट, ये सारे ऑप्शंस भी हैं इसमें। तो आप पहले फोरग्राउंड पे क्लिक करते हैं। फोरग्राउंड कलर को क्लिक करके आप यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये पूरे पूरे ऑलमोस्ट एरिया में क्या हो रहा है, कलर फिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये मेथड नहीं होता किसी भी पर्टिकुलर शेप में या कस्टम शेप में कलर को अप्लाई करने का। तो ये मेथड रॉन्ग होता है। आप इसके थ्रू आप कलर को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ से कलर को चेंज करते हैं, वो चेंज ना करके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ प्री डिफाइंड एरिया में ही फिल हो कलर। तो उसके लिए यहाँ से Ctrl Z करते हैं
और वापस बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे पाथ लेयर में जाते हैं, पाथ लेयर पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक में आप देख रहे हैं डुप्लीकेट पार्ट, डिलीट पाथ। आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं किसी पार्ट को, जो भी आपने डिजाइन अभी किया जिससे आप करंट में वर्क कर रहे हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डुप्लीकेट आप इसी का सेम पाथ भी अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। और स्ट्रोक पाथ, फिल पाथ, तो फिल पाथ ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जब फिल पाथ ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कंटेंट, कंटेंट में क्या अभी अप्लाई है, पैटर्न। पैटर्न को ना लेके यहाँ पे फोरग्राउंड कलर ले लेते हैं। जो भी मेरा फोरग्राउंड यहाँ पे कलर सेलेक्ट होगा पहले से, वही कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसको यहाँ से ओके करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो कलर अप्लाई हो चुका है। ओके, आप चाहते हैं इस कलर को चेंज करना, यानी आप चाहते हैं जो बैकग्राउंड में कलर है उसको हम सेलेक्ट करें, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ से ओके करते हैं। बैकग्राउंड में जो कलर हमने ले रखा होगा वही कलर यहाँ पे क्या होगा, वो अप्लाई हो जाएगा बैकग्राउंड कलर। लेकिन मैं चाहती हूँ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों ही कलर नहीं लेना चाहती हूँ, मैं अनदर कलर चाहती हूँ। ओके, तो आप उसके लिए कलर ऑप्शन में आते हैं। कलर ऑप्शन से आप कोई भी कलर यहाँ से ड्रैग करके कोई कलर को चेंज कर सकते हैं। ओके, चेंज करके अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर शेप पे। तो यहाँ से मैं ये कलर सेलेक्ट करती हूँ और ओके करती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से वो कलर क्या हुआ, चेंज हो चुका है। ठीक है, तो एक ये मेथड होता है। अब चलते हैं पार्ट नंबर टू पे। ये मैंने कस्टम शेप ड्रॉ किया था, अब चाहते हैं इस पे कलर को अप्लाई करना। तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं। ओके, फिल पाथ में आते हैं। फिल पाथ में आप इसके लिए यहाँ से पैटर्न अगर कोई अप्लाई करना है या फिर हिस्ट्री करना है तो हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं। तो हिस्ट्री का कलर यहाँ पे क्या होता है, अप्लाई हो जाता है, यानी जो प्रीवियस का कलर आप लिए होंगे बैक में वही कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वापस फिल पाथ पे आते हैं। यहाँ से ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। ब्लेंडिंग मोड ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ से कोई भी मोड को आप चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास से भी ये बताया था कि ये सारे मोड्स को कैसे चेंज किया जाता है, और वो सब अलग अलग टाइप्स के मोड्स होते हैं। ठीक है, जैसे जो भी आप मोड कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उस टाइप का इफेक्ट वो आपके स्क्रीन पे पर्टिकुलर शेप में दिखाई देगा। ओके, तो सपोज अभी मैं नॉर्मल मोड यहाँ से अप्लाई कर लेती हूँ और ओके कर देती हूँ। ठीक है, फिर आप यहाँ से फिल पाथ में जाते हैं और यहाँ से जस्ट कोई अनदर कलर ले लेते हैं। लाइक मैं फोरग्राउंड का कलर यहाँ से चूज कर लेती हूँ और इसको ओके कर देती हूँ। ठीक है, तो जो फोरग्राउंड में मैंने कलर ले रखा है ऑलरेडी, वही कलर यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। अब पाथ नंबर वन पे चलते हैं। पाथ नंबर वन पे क्या है, इस पे भी राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके फिल पाथ में जाते हैं। फिल पाथ पे यहाँ कंटेंट ऑप्शन में जाते हैं, एंड देन यहाँ से कोई इस शेप में मैं पैटर्न को अप्लाई करना चाहती हूँ, तो यहाँ से पैटर्न पे क्लिक करते हैं। पैटर्न पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप जो प्री डिफाइंड कंपनीज द्वारा पैटर्न दिए गए हैं उन पैटर्न को आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ग्रास टाइप का पैटर्न चाहिए, वाटर टाइप का चाहिए, जैसा भी पैटर्न आप चाहते हैं वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पे वाटर का पैटर्न चाहिए इस टाइप से। और इस आप चाहे तो यहाँ से आप पैटर्न को नेट से जो डाउनलोड करेंगे उस पैटर्न को भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से वाटर का पैटर्न चूज कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये होता है मेथड्स कोई भी शेप, कस्टम शेप या शेप में किसी भी टाइप का कोई आप पाथ सिलेक्शन के थ्रू शेप को सेलेक्ट कर लीजिए। और शेप को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पाथ लेयर से, ना कि आप एडिट पैनल से जाके यहाँ से आप कलर को चेंज करते हैं, यहाँ पाथ लेयर से जाके आप कलर को यहाँ से कलर को या पैटर्न को टेक्सचर को चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसा भी आप चाहते हैं। तो ये मेथड होता है पाथ सेलेक्शन टूल का। पाथ टूल के थ्रू आप किसी भी कस्टम शेप, शेप या डिजाइन में कलर को फिल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे एक ऑप्शन स्ट्रोक पाथ का। स्ट्रोक पाथ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे बहुत टाइप्स के जो होते हैं स्ट्रोक पाथ होते हैं। ठीक है, स्ट्रोक मीन्स होता है आउटलाइन, बाउंड्री। आप किस टाइप की बाउंड्री चाहते हैं कोई भी पर्टिकुलर शेप में, वो आप यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज फोटोशॉप में होते हैं। आप यहाँ से कोई भी स्ट्रोक को सेलेक्ट करके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ब्रश का स्ट्रोक लेना हो, यहाँ से ओके कर दीजिए। इस टाइप से आप ब्रश का स्ट्रोक ले सकते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से स्ट्रोक पाथ में आते हैं और कोई भी हिस्ट्री ब्रश सपोज लेना हो तो आप यहाँ से इस टाइप का स्ट्रोक यहाँ सेलेक्ट करके और ओके कर दीजिए। ये इस टाइप से होगा। ओके, तो यहाँ से आप जो आपको मैंने फिल पाथ के जस्ट नीचे वाला जो ऑप्शन मैंने दिखाया है स्ट्रोक पाथ, यहाँ से आप अलग अलग टाइप्स के आउटलाइंस को सेलेक्ट करके अलग अलग मोड्स में आप डिजाइन कर सकते हैं कोई भी शेप में। ओके, सो ये मेथड होता है पाथ का। पाथ टूल की हेल्प से आप किसी भी
प्रीडिफाइंड शेप या फिर सेल्फ क्रिएट शेप में, कस्टम शेप में किसी भी टाइप्स के कलर को फिल कर सकते हैं, पैटर्न को, टेक्सचर्स को फिल कर सकते हैं। ओके, होप है कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट होती है तो आप मेरे कमेंट इनबॉक्स में मैसेज को ड्रॉप करके पूछ भी सकते हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।